अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग पिजन टिप्स। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों अभी शाम के 4 बज रहे और मैं छत पे आया हूँ कबूतर खोलने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी छत के ऊपर में कपड़ा बना हुआ है, और दोस्तों आप देख सकते कैसा मौसम है, एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है एकदम। दोस्तों हमें कपड़े को हटाते और कबूतर खोलते। और दोस्तों आज हमारे लॉक में एक अपडेट हुई है तो आपको बताना चाहता मैं। और हाँ दोस्तों, आज हम हमारे लॉक के अंदर में एक नई पेटी रखेंगे तो वो भी आपको बताऊंगा। ऑलराइट गाइस, अभी हमने कपड़ा हटा दिए, अभी सबसे पहले हम हमारा लॉक को खोलेंगे। ले दोस्तों लॉक में कबूतर बाहर आ गए। देखिए आप, अब पीठियों के कबूतर खोलते हैं हम। तो ऑलराइट गाइस, अभी सारे कबूतर खोल लिया मैंने, और अभी पानी का टाका झाँक के देखिए, क्योंकि दोस्तों अभी कबूतर एकदम गर्म है। जैसे दोस्तों हम पीठियों में से कबूतर बाहर निकालते हैं तो कबूतर सीधा पानी की तरफ जाते हैं, तो अभी पानी का टाका इसलिए झाँक के रखा मैंने। जब मेरे कबूतर एकदम नॉर्मल हो जाएंगे, जब मैं मेरे कबूतर को पानी पिलाऊंगा। आज दोस्तों आपको मैं मेरे लॉक की अपडेट दिखाता, देखिए। आज दोस्तों सुबह ऐसा हुआ, जब मैंने मेरा कबूतर खोला और कबूतर खोल के दोस्तों जब मैं बंद कर रहा था तो लॉक में दोस्तों ऐसा हुआ कि एक कबूतर यहाँ बैठा था और यहाँ बैठ के दोस्तों डायरेक्ट नीचे गिर गया, मतलब यहाँ पे उसने उतरने की कोशिश करा। तो जैसे कि आपको मालूम है हमारे जैक कबूतर के 2 अंडे थे, 2 अंडे में से दोस्तों एक अंडा फूट गया। देखिए आप, एक अंडा फूट गया दोस्तों, अभी और एक अंडा है। तो हमें काफ़ी सारे भाई ने कमेंट किया था, गोलू भाई आप अपने लॉफ्ट के अंदर में एक छोटी सी पेठी रख लीजिए। तो दोस्तों आज हम हमारे सीक्रेट लॉक में से एक पेटी निकालेंगे और उस पेटी को यहाँ पे रखेंगे, और पेटी का दरवाज़ा जो इसको निकाल लेंगे अलग। तो दोस्तों अभी मैं आपको सीक्रेट लॉक में जो पेटी रखी है वो दिखाता, तो चलिए दोस्तों चलते हैं सीक्रेट लॉक की तरफ। दोस्तों ये है हमारा सीक्रेट लॉक, इसके अंदर में दोस्तों हमने हमारी झोली वाली मांदी रखी थी, उसको दोस्तों हमने कहीं और शिफ्ट कर दिए अभी। और ये पेटी है, इसको हम बाहर निकालेंगे, और इसका जो आपको दरवाज़ा दिख रहा है ये दरवाजे खोल लेंगे और उसको हमारे ऊपर वाले लॉक के अंदर में शिफ्ट करेंगे। तो देखना दोस्तों अब हम किस तरीके से करते हैं। तो अभी तक के आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे होंगे तो कर लेना दोस्तों। तो अभी हम हमारे कबूतर का दाना पानी करते हैं और पेठियों के कबूतर बंद कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों छत के ऊपर अगर मैं पेठी लेके जाऊंगा तो हमारे कबूतर डरेंगे, इसलिए दोस्तों पहले हम वाले कबूतर बंद कर लेंगे और इस पेठी को हम ऊपर वाले लॉक में शिफ्ट करेंगे और देखेंगे जाग कबूतर पेठी के अंदर में अंडे फेंकता है कि नहीं फेंकता है। दोस्तों अभी कबूतर को रोटी डाला, देखिए आप पूरे कबूतर बाहर कर दिया मैंने और रोटी खिला रहे उनको। और अभी देखिए ऐसा मौसम है, अभी दोस्तों कबूतर का दाना पानी खा के हो चुका है, और देखिए आप अभी मौसम पूरा ठंडा हो चुका है। तो दोस्तों अभी हम नीचे से पेटी ऊपर लेके आते, चलते अभी अंदर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं देखने के लिए एकदम। इसको बाहर निकालते पूरा सामान को, इसका ढक्कन खोलते, ढक्कन खोलने के लिए भी सामान लेके आ गया मैंने। तो चलिए दोस्तों निकालते इसको बाहर। दोस्तों निकाल लिया इसको अपने बाहर। अब इसका जो ढक्कन है देख सकते हैं आप, इस ढक्कन को मुझे खोलना है और दोस्तों ऊपर के लॉक में शिफ्ट करेंगे इसको अभी हम। ये देखिए आप, मैंने इसको ड्राइवर ऊपर लेके आया सकते हैं आप। ऐसी कुछ है दोस्तों पीढ़ी, देखिए आप इसमें एक जोड़ी कबूतर आराम से रह सकते हैं। इसके जो कब्जे हैं आपको दिख रहे, इसको मुझे खोलना है क्योंकि हम इसको इस तरीके से कुछ रख नहीं सकते। तो निकालते हैं अभी इसको, देखना आप मैं किस तरीके से करूँगा। दोस्तों खोलते हैं इसको, ये बॉक्स हमारे घर में ऐसे ही रखा था तो इसलिए मैंने बना लिया था इसको, और इसके ऊपर भी वीडियो बनी है क्या इसको मैंने किस तरीके से बनाया था एकदम, इसमें ढक्कन कैसे लगाया था। दोस्तों ऊपर वाला हमने खोल लिए, अब बारी है नीचे वाली की। देखिए खुल गया दोस्तों, इसको हम अलग करते, इसको रखते हैं लॉफ्ट के अंदर में। अभी लॉफ्ट के साइड का ये जो वाला दरवाज़ा है इसको भी खोलना पड़ेगा हमें, और यहाँ का सामान भी हटाना पड़ेगा।
तो पहले सामान हटाता और अंडा हटाता मैं, और उस जगह पे देखते बैठे आएंगी कि नहीं आएंगी। मुझे तो लग रहा है दोस्तों आ जाएंगी। तो दोस्तों अभी यहाँ का जो दरवाज़ा इसको खोल लेता मैं और पूरे कबूतर को बाहर कर देता। चलो बात, चलो बात, चलो 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 दोस्तों, कबूतर तो बाहर कर दिया मैंने। अब इसके अंदर हरी माजी बैठी है और इसका अंडा रखा है, तो अंडे को हम उठा लेते हैं। और ये अंडे के अंदर बच्चा है और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ये अंडा एकदम सेफ है। ये अंडा हल्का सा भी क्रैक नहीं हुआ, जो इसका साथ वाला अंडा था वो तो पूरा फूट चुका था। देखिए आप, यहाँ से अंडा हटा दिया और ये कबूतर फिर से यहाँ पे आ गए। तो अभी सामान भी हटाना है मुझे। दोस्तों सारे कबूतर इधर आ गए। हरी माजी दोस्तों अपनी जगह छोड़ी नहीं रही, इस सामान को अभी हटाना पड़ेगा हमें यहाँ से। दोस्तों लॉक को मैंने कुछ दिन पहले साफ करा था, मगर अभी इसकी हालत देखिए आप कैसी होगी एकदम। तो पहले हम रख के देखते हैं, बाद में इसको साफ कर लेंगे। दोस्तों क्या लगता है यहाँ पे बेटी आ जाएंगी? देखते हैं दोस्तों, ट्राई करते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे में तो दोस्तों मज़ा नहीं आएगा मुझे, और ऐसी पेटी मुझे रखना नहीं है, मुझे पेटी इसी तरीके से रखना है। माशाल्लाह दोस्तों, मैंने दोस्तों सोचा नहीं था कि हमारी कबूतर की पेटी इसके अंदर में इस तरीके से सेट होंगी। देखिए आप, जैसी ये स्केलेज बनी थी, यहाँ पर छोटी सी गैप है बस, इधर कुछ भी गैप नहीं है और पूरी परफेक्ट बैठ चुकी है जगह पे। सामने में जो घट्टू रखे यहाँ पे, यहाँ पे इतनी जगह खाली है। देखिए आप, हमारे पिजन लॉक में हमने पेटी रख दी, अब एकदम परफेक्ट होगी और कबूतर के बच्चे भी दोस्तों इसमें आराम से पल सकते हैं हमारे। अब तो मैं अब रख के देखता हूँ इसके अंदर में, और मैं सोच रहा हूँ कि बाकी सामान कहाँ रखूँ, इसके ऊपर में रखूँ या इस जगह पर रखूँ। दोस्तों दो पत्थर तो यहाँ पर आ जाएंगे और दो ईटा यहाँ पे रखने की सोचा मैंने, और कबूतर ऊपर ही बैठ सकते हैं हमारे अब, तो ये भी एक अच्छा आइडिया हो गया एकदम। अब हरी माजी ने यहाँ पे नहीं बैठने को ना, हरी माजी ने अंदर जाने को ना। तो दोस्तों जल्दी से मैं याला काम भी ख़त्म करता हूँ इनको रखने का, और फिर आपको बताऊँगा। और ये जो आपको बताया मैंने, इसके नीचे पूरी गंदगी है, तो इसको भी साफ़ करना है दोस्तों। अगर दोस्तों ये काम सक्सेसफुल होगा तो इस पेटी को मैं हेर देंगे, नहीं तो दोस्तों इसको फिर से यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने सोचा था वैसी तो है। और इसके अंदर हमारे जंगली कबूतर भी है, अगर उनका जोड़ा भी लगता है तो उनके अंडे बच्चे भी दोस्तों इसके अंदर में छूंगे। कबूतर तो यहाँ पे खुले मस्त, और सूरज ढल चुका है भी, देखिए आप। वैसे भी जब हमने लॉक बनाए थे और हरी माजी ने जब अंडा दी थी, तो काफ़ी सारे भाई ने हमें कमेंट किए थे, गोलू भाई आप इसके अंदर में एक छोटी सी पेटी रखिए। तो दोस्तों पेटी तो हमारी काफ़ी बड़ी, एक जोड़ा आराम से आता और इसके अंदर बच्चे भी आराम से आते। तो अभी हमें अलग हम ख़त्म करते हैं और फिर ये आपको बताता है इसके अंदर अंडा रख के ऐसा कुछ सिस्टम हो गया। अभी यहाँ का, यहाँ पे दो ईट आ गई और यहाँ पे ये आ गई और ये हमारी पेटी है। तो अभी मैं अंडा रखते इसके अंदर में। पहले दोस्तों हम प्लास्टिक का अंडा रख कर दिखते क्या प्लास्टिक का अंडा कबूतर सीखता है कि नहीं सीखता है, फिर तो इसके बाद में असली अंडा रखेंगे। नहीं तो अगर मैं प्लास्टिक का अंडा नहीं रखूँगा और अगर असली अंडा रखा तो सब कबूतर एक ही साथ पेटी में घुस जाएंगे, तो अंडा फूट भी सकता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले हम प्लास्टिक का अंडा रखते हैं, अगर कबूतर वो अंडा सेकेंगे तो फिर उसके बाद में हम असली अंडा रखेंगे। तो प्लास्टिक का अंडा हमने लेके आगे, देखिए आप इसको रखते हैं हम यहाँ पे, यहाँ पे रख दिए हमने अंडे को। अब लगाते एक साइड का ढक्कन, दोस्तों इसको भी लगा दिए, आने जाने के लिए तो यहाँ पे जगह एकदम अच्छे से। अब हम इधर आ जाते और देखते हैं कबूतर का क्या रिएक्शन रहता है उनके नए घर में। वैसे तो एक ही जोड़ा जाएगा वहाँ पे, वो भी देखते जाएंगे कि नहीं जाएंगे। सबसे पहले हमारे जंगली कबूतर जाएगा वहाँ पे। इन सामान को मैं यहाँ से हटा देता अभी। देखिए दोस्तों आप, कबूतर वहाँ पे जाने के लिए सोच रहे हैं, मगर कुछ भी बोलो दोस्तों वहाँ पे एकदम परफेक्ट पेटी सेट होगी हमारी, वहाँ पे किसी चीज़ का टेंशन नहीं उसको। ये कबूतर भी एकदम फिट है अपने,
जाग कबूतर सोच रहा है अंदर जाने के लिए मगर जा नहीं पा रहा है। हरी मादी यहाँ पे है। चलो अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो अंदर। ये आ गया जाग कबूतर, देखते जाता है कि नहीं जाता है अंदर में। दोस्तों अभी कबूतर बंद कर लिया मैंने और देखिए आप ऐसा कुछ रिएक्शन है कबूतर का। जाग कबूतर ऊपर बैठे पीढ़ी पे। हरी मादी यहाँ पे अपने अंडे को दिख रही और सफ़ेद धुमका दुबाज अंदर गया है। देखिए आप दोस्तों इतना खास इनका रिएक्शन नहीं है जैसा मैंने सोचा, तो ऐसा तो है नहीं कि हरी मादी अंदर जाके अंडे देखेंगी। अब देखिए दोस्तों ये कबूतर तो अपनी जगह बराबर है। हरी मादी यहाँ पे इतना खास इनका रिएक्शन नहीं है, बस ये कबूतर अपनी जगह बदल गए। और ये हमारा नया जंगली और ये पुराना जंगली। तो दोस्तों देखते हैं आगे क्या करना है, इस पेटी को रखना है या इस पेटी को हटा देना है। ये तो मस्त फॉर्म में आ गया, यहाँ पे नई जगह मिल गई दोस्तों एकदम। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इसका क्या करना है, पेटी रखूं या हटा दूं। तो दोस्तों देखिए आपने, हमने सिगरेट लॉक में से पेटी निकाले और ऊपर के लॉक में शिफ्ट कर दिए। तो ये था आज का वीडियो। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अभी तक क्या आपने मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करे तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, आप सीधे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।